लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, अच्छा अच्छा सोच रहे होंगे, मजबूत पल में अपने आप को रख रहे होंगे। आज सुबह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने पढ़ी और वो ये थी कि मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 68 सेकेंड्स। कुछ भी हासिल करना चाहते हैं इन 68 सेकंड्स में हासिल कर लीजिए। ये एक प्योर थॉट टेक्निक के ज़रिए है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये प्योर थॉट पहले है क्या। प्योर थॉट वो थॉट होती है, हमारी कोई भी चाहत होती है, हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, अगर हम अपनी उस चाहत में अगर, मगर, इफ़, बट, लेकिन लगा देते हैं तो वो थॉट जो है वो प्योर नहीं रहती, इम्प्योर हो जाती है। बिलफर्ज के मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना एक बहुत अच्छा सा घर हो, लेकिन अभी पैसे कहाँ हैं, अभी तो पैसे अकाउंट में इतने हैं ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक बड़ी गाड़ी हो, कब से चाह रही हूँ मैं ये, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, अभी उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मैं कब से चाह रही हूँ, मैं सोचती हूँ रोज़ाना मैं ये करूँगी, लेकिन क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने अपनी चाहतें तो बहुत सारी पैदा की, लेकिन अपनी उस चाहत में ये अगर, लेकिन, मगर, इफ़, बट लगा दिया तो वो प्योर नहीं रहती है। हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो भी थॉट होती है, वो हमारे अंदर 5 से 7 सेकंड तक ही चलती है, और 7 सेकंड के बाद वो थॉट जो है ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि उस जैसी सिमिलर थॉट्स बहुत सारी पॉपअप होने लगती हैं उसी ताकत के साथ, उसी पावर के साथ, और हमारी वो प्योर थॉट इम्प्योर हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, 1 से 2 हो जाती हैं। अगर हम किसी भी थॉट को लेकर, किसी भी सोच को लेकर, किसी भी चाहत को लेकर 7 सेकंड से ज़्यादा, यानी एटलीस्ट मिनिमम 17 सेकंड तक एक्सटेंड करते हैं और कामयाब हो जाते हैं 17 सेकंड तक अपनी उस एक थॉट को प्योर फॉर्म में एक्सटेंड करने में, तो हमारी आगे की जो 68 सेकंड्स हैं वो बड़ी आसान हो जाती हैं, और हम कोई भी चीज़ जो चाहते हैं, जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारा मकसद या टारगेट है, उसे अचीव करने में हम कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको अपना फोकस जो है वो ठीक करना पड़ता है, फोकस्ड रहना पड़ता है, अपनी एक सोच में रहना पड़ता है। तो वो एक सोच में, अगर आप ये प्रैक्टिकली भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैंने किया जब मैंने ये चीज़ पढ़ी, तो ये बात सच है कि 7 सेकंड के बाद जो है वो थॉट इधर से उधर होने लगती है, वो वीक और कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि दूसरी उस जैसी थॉट्स जो हैं वो दिमाग में आने शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं एक थॉट को एक्सटेंड करती हूँ एटलीस्ट 17 सेकंड्स तक, तो उसके बाद के जो सेकंड्स हैं वो मेरे लिए आसान हो जाते हैं, और जब आसान हो जाते हैं तो 68 सेकंड्स तक अपनी उस थॉट में रहना हमारे लिए आसान, क्या हमें अपने उस मकसद को हासिल करने में आसानी हो जाती है। तो ये ज़रा आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कीजिए कि एक कोई भी सोच को लेकर अपने अंदर चलाइए और देखिए कि कितने सेकंड तक आप वो सोच चलाते हैं। अंदाज़ा हो जाएगा वो जब आप बैठते हैं। देखिए, मेडिटेशन भी जो लोग करते हैं वो इतनी आसानी से नहीं हासिल कर पाते उस सोच में, उस एक थॉट में रहना। तो ये जो है ये प्योर थॉट टेक्निक है। अगर वाकई में अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो यू कैन मैनिफेस्ट इट इन 68 सेकंड्स। मैं तो आज से शुरू हो जाऊंगी, जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठूंगी, आई विल ट्राई टू रिमेन इन वन थॉट, इन वन प्योर थॉट, और मैं देखती हूँ कि मैं कितना उस चीज़ को एक्सटेंड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई मकसद आपकी ज़िंदगी का भी होगा, कुछ आप भी हासिल करना चाह रहे होंगे, कोई चीज़ आप भी बदलना चाह रहे होंगे, अपनी सेहत को ठीक करना चाह रहे होंगे, उस एक थॉट को ज़रा एक्सटेंड करके देखिए और फिर देखिए कि कैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं और अचीव करते हैं अपने टारगेट्स। आ जाएं जी, वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम शाजिया जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? लुकिंग नाइस। ओह थैंक यू, एंड यू आर आल्सो एज ऑलवेज। इतना प्यारा सॉलिड कलर पहना हुआ है ना, और ये शॉल है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, विंटर्स आ गए ना। आइए तशरीफ रखिए, जरा गपशप लगाते हैं। हाँ शाजिया, ये जो 68 सेकंड्स में कुछ भी चाहे हासिल करें, ये
कैसा लगा आपको? ये बिल्कुल सही नहीं है, 6 years सही में नहीं है। अगर नहीं हासिल कर सकते, नहीं हासिल हासिल कर सकते हैं, लेकिन 68 seconds impossible है। नहीं ये नहीं है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा घर हो जाए और मैं 68 सेकंड तक उस थॉट में रहती हूँ तो मेरा घर हो, नहीं नहीं नहीं, आपको मदद मिलती है कि आप अपना टारगेट अचीव कर सकें। हम अपनी उस थॉट में देखें, चाहते हर एक की बहुत सारी होती हैं। अगर आप सिंपल ये एक्सपेरिमेंट अभी भी करें, अभी तो खैर चलो अभी हमारा ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, लेकिन जैसे आप मेडिटेशन के लिए बैठती हैं तो आप कहती हैं ना कि मैं एक थॉट में होती हूँ, वो भी आसान नहीं होता। हाँ वो भी आसान नहीं होता कि एक थॉट में हम रहें। अगर हम सोच रहे हैं, रोशनी सोच रहे हैं या कोई बहुत अच्छी चीज़ सोच रहे हैं या टारगेट सोच रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका 7 सेकेंड के बाद टूट जाता है। अगर उसी कॉन्सेंट्रेशन को हम 17 सेकेंड तक एक्सटेंड करेंगे, 68 सेकेंड हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो कभी आपने कोशिश की है? हाँ मैं, मतलब मेरा एक थॉट प्रोसेस होता है, मतलब कि अगर एक के बाद एक थॉट का आप वो चलाती हैं कि यहाँ से शुरू किया सफर और ऐसे किया, ये मुझे मतलब टारगेट मुझे ये अचीव करना है। हाँ तो वो एक प्रोसेस में होता है, लाइक के डेली बेसिस होता है। हाँ जैसे जब भी मेडिटेशन करती हूँ मैं भी ये सोचती हूँ, जो आपने बोला है ना, इस तरीके से मतलब, क्योंकि कोई भी आपको अचीव करनी है ना चीज़, गोल अचीव करना है, कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले आप अपनी थॉट्स में लाएंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे किस तरह करना है और करना है, करना है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है। जब आप सोचेंगे ही नहीं कि करना है तो फिर वो स्टार्ट भी नहीं होता। हाँ पर हमें लगता है कि हम सोच में ले आए तो अब हम कर लेंगे, लेकिन वो यही वाली चीज़ समझाना चाह रहे हैं। मतलब ये रिसर्च हुई है कि अगर आपने 17 सेकंड तक एक थॉट में आप रहे, एक प्योर थॉट में रहे, तो वो बराबर होती है 2000 घंटे की सोच के मुकाबले में। मतलब अगर आप कोई चीज़ को 2000 घंटे के लिए सोचेंगे तो वो मुकाबल है उस 17 सेकंड की प्योर थॉट में। मतलब इतना पावरफुल है उस 17 सेकंड्स में, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट आपको एक चीज पे करना है। हाँ और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, लेकिन जब जो मेडिटेशन करते हैं ना फिर उनको प्रैक्टिस हो जाती है। कहते हैं ना प्रैक्टिस से हर चीज आप सीख जाते हैं, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टेम करना पड़ता है दिमाग को, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, फोकस में लाना ही तो मुश्किल है। फोकस जो होते हैं ना लोग, तो वही अचीव करते हैं अपने गोल्स, जो सोचते हैं ना तो वो हासिल भी कर लेते हैं। सारी स्ट्रगल, सारी जद्दोजहद वो 7 सेकंड के बाद शुरू हो जाएगी। अब अगर आप लोग भी कोई चीज़ चाहते हैं ना लाइफ में हासिल करना, तो 7 सेकंड तक तो वो रहेगी थॉट आपके अंदर, उसके बाद उसको एक्सटेंड कीजिए प्योर फॉर्म। हाँ कोई अगर मगर लेके नहीं, अल्लाह नहीं, ये हाँ ये ना सोचे, कुछ नहीं, पॉजिटिव होके प्योर होके वन थॉट एट अ टाइम। मेरे साथ भी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर अच्छी थॉट सोच रही हूँ तो एक अच्छी थॉट, दूसरी अच्छी थॉट, चौथी अच्छी थॉट, एक थॉट, एक थॉट। अब देखते हैं कि ये काम होता है नहीं होता, इंशाल्लाह जरूर होगा। हाँ, जो कॉन्सेंट्रेट दिल से कुछ मांगो ना अल्लाह ताला दे ही देता है, वो किसी भी फॉर्म में, वो दिल से यही कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ, प्योर थॉट के साथ आप जब कोई दुआ दिल से कोई काम करो, दिल से कुछ मांगो तो अल्लाह ताला दे देता है। तो बस आज हो जाए, सबकी जो डिजायर्स और चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी 68 सेकंड्स में। हम आ जाते हैं इसको ठीक अमल पर के कैसे करना है। अच्छा जी ब्रेक है, ब्रेक है, ले ले, चले, अच्छा ब्रेक चले, ले लीजिए ना ब्रेक का, ब्रेक नहीं। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हम क्या क्या मजे की डिशेस बना रहे हैं आज, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, और अब कुकिंग शुरू करते हैं। हाँ, और हम बना रहे हैं। हाँ किससे शुरुआत कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं पीनट बटर की, हम चिकन बना रहे हैं। पीनट बटर कौन सा कैमरा है मुझे पता भी नहीं चल रहा। अरे आप जिस कैमरे को देखेंगे हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी मैरिनेशन बताते हैं। ठीक है, और ये स्क्यूवर्स में लगेंगे, लंबे स्क्यूवर्स भी लेके आई हूँ मैं वैसे, इन्होंने छोटे दिए क्योंकि वो फिर हमारे पास पैन में नहीं आते ना, ये भी मसला है, कोई बड़ा पैन ले लो। तो ये जो पीनट बटर स्प्रेड मिलता है ये उससे कुछ बन रहा है? हाँ उस वो उसका ऊपर से सॉस स्प्रिंकल करेंगे। साथ में जैसा नहीं होता उस तरह का एक फ्लेवर होगा उसमें भी पीनट। अच्छा सबसे पहले मैं मिक्सिंग बता देती हूँ। मैंने ना स्ट्रिप्स कटवाए ये, ठीक है, क्यों वैसे क्यूब्स होते हैं ना, लेकिन मैं स्ट्रिप्स इसमें अटैच करके डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा। अच्छा ये 1/2 kg चिकन है, सही है। पहले आप इसको मैरिनेट करके रखें लेमन जूस के साथ, और
गार्लिक के साथ हाँ. तो उससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा. सॉल्ट, ब्लैक पेपर. अच्छा ये क्या आप डाल रहे हो? जिंजर, ये गार्लिक, गार्लिक सिर्फ गार्लिक, गार्लिक ठीक है. ये गार्लिक है और लेमन जूस. सही है, लेमन जूस जाएगा और काली मिर्च, नमक जाएगा. ठीक है. अच्छा हम इसलिए कि हम यहाँ बता रहे हैं आपको तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल देंगे. ठीक है हाँ. क्योंकि ये मैरिनेशन का बता रही हूँ कि मैरिनेट करके रख दें जैसे फ्रिज में ना तो अच्छा फ्लेवर अच्छा. आ जाएगा. ठीक है. ये थोड़ी ड्राई ड्राई हाँ ये स्क्यूवर्स पे लगा के जैसे स्क्यूवर्स पे बनाते हैं ना हाँ. लेकिन थोड़े से डिफरेंट रेसिपी है. ठीक है. चिकन साथे खाएं शाजिया, वो जो चिकन साथे इस तरह का फ्लेवर होता है पीनट, पीनट ऊपर से हम पीनट रोस्ट करके इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, वो भी अच्छा लगेगा. ये भी मेरी क्रिएशन है. होनी है. फिर आप पूछती है ना रेसिपी कहाँ से आई, कहाँ से आई है रेसिपी हाँ, किसने दी है ये रेसिपी. वैसे काफी लोगों को बोला हुआ मैंने रेसिपी का, लोग शेयर करेंगे. इनफैक्ट आपने तो हमने अनाउंस भी किया था कि लोग देंगे रेसिपी ना, मैं वो भी करूँगी इंक्लूड. सही है. आप लोग अपनी कोई भी रेसिपी जो बहुत अच्छी रेसिपी है और आप लोग आना नहीं चाह रहे हो हमारे शो पर, घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो, वट एवर रीज़न, तो आप वो रेसिपी शेयर कर सकते हैं हमारे पेज पे, लाइवली वीकेंड के पेज पर. और शाजिया जो है वो हम अपने सैटरडे के शो पे उसको ऐड करेंगे. तो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मैं इसमें बता देती हूँ आपको. सोया सॉस है, ये जाएगा 2 टेबल स्पून. ठीक है. और ये है, फ्रेश स्ट्रीट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोया सॉस. इनफैक्ट फ्रेश स्ट्रीट की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सॉसेज हैं. और सिबलू की आज आप इनफैक्ट फ़िश भी बना रही हैं. हाँ सिबलू की फ़िश बना रहे हैं हाँ. बड़ा अच्छा फ्ले है, बड़ा सा. सही है. ये फ्रोजन आइटम है सिबलू का, और उसका हाँ हम सालन बनाएंगे. अच्छा हाँ चलो. अच्छा ये मुझे नहीं पता था कि सिबलू के फ्रोजन आइटम्स भी हैं, वरना टूना फिश के तो हमने सैंडविचेस काफ़ी बनाए. ये सारे हाउस ऑफ समरा की चीज़ें. अच्छा जी, छोटी लाल मिर्च है इसमें. ठीक है. हसबे जायका आप डाल दें थोड़ा, मुझे तो वैसे चटपटा सा अच्छा लगता है. हाँ बनाएं चटपटा. हाँ मिक्स कर लेते हैं हम इसमें वेजिटेबल्स भी मिक्स कर लेते हैं. अच्छा एक साथ ही ना, फिर उसको स्क्यूअर्स में लगा के हाँ. हम कुक कर लेंगे. अच्छा अभी तो चिकन तो जल्दी हो जाती है वैसे भी. सिर्फ नॉर्मल इसकी मैरिनेशन है जी. नमक, काली मिर्च, लाल ये अनियन. ठीक है. अच्छा. काली मिर्च ऐड कर दी मैंने. सही है. ये टोमेटोज 2 टोमेटोज लेने. एक मैंने ये शिमला मिर्च लिया, आप किसी भी कलर की ले सकते हैं शिमला मिर्च. ठीक है. हनी भी है इसमें, हनी भी जाएगा इसमें और ऑलिव ऑयल भी जाएगा. अच्छा हाँ. नमक, काली मिर्च, लाल कुटी मिर्चें हैं और सोया सॉस है और लेमन जूस है, गार्लिक पेस्ट, सब्जियां और हनी और एक चीज़ क्या बताइए, ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल डालिए. अब ऑलिव ऑयल मिक्स कर लेते हैं. अच्छा तो इसकी मैरिनेट सॉस बनेगी अलग से. हाँ वो पीनट्स की ऊपर से अलग से. ठीक है. वो भी सिंपल सा है, पीनट को ज़रा सा मेल्ट करके हम हाँ ऊपर से इसको, क्योंकि पीनट फ्लेवर होता है ना. ठीक है. तो ऊपर से इसके स्प्रिंकल करेंगे, वो थोड़ा जूसी सा हो जाएगा. हाँ शहद है हाँ जी है. सही. अच्छा और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये टमाटर. अच्छा ये मैंने ब्लांच करे हैं टोमेटो सूप के लिए. टमाटर ओ टमाटो, टमाटर को फिर पीसना होगा. शुरुआत ही आपने टमाटो सूप से की. हम शुरुआत बड़ी तो फरमाइश थी ना. हाँ इसीलिए मैंने चेंज कर की रेसिपी. मुझे नहीं पसंद. अच्छा थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून हनी डाल दें. ठीक है. और बाकी हम जो है ना इसके साथ पीनट्स के साथ हनी को मिक्स करके, ऑयल को मिक्स करके इसका वो तो बाद में हाँ बाद में कर लेंगे. ठीक है. और इसको स्क्यूअर्स पे लगा, स्क्यूअर्स पे लगा के मैरिनेट कर लें ये आप हाँ. चीज़ें लगा के ना, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा. 2 घंटे ये सारे इंग्रेडिएंट्स. सही है. ठीक है. अच्छा जी आप लोग कॉल कीजिए हमें और हमें बताइए, ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिए ये जो एक थॉट, प्योर थॉट को कैसे चलाना है अपने अंदर. और ज़रा नोट कीजिए कि वाकई में वो एक सोच अगर मैं चला रही हूँ तो वो कितने सेकंड तक रहती है. 7 सेकंड के बाद वो टूटना शुरू हो जाती है, भटकना शुरू हो जाता है माइंड और दूसरी थॉट्स आ जाती हैं, घेर लेती हैं उसी ताकत के साथ, उसी फोर्स के साथ. बड़ा मुश्किल है 17 सेकंड तक एक थॉट को चलाना एक प्योर फॉर्म में. आप ये जो अगर, मगर, इफ, बट लगाते हैं ना अपनी सोच के साथ, अपनी चाहत के साथ, चाहे आप ये जुमलों में लगाएं, चाहे आप ये
अपने अंदर जो सेल्फ टॉक में बातचीत होती है, जो सोच होती है, उसमें आप लगाएं, वो एक ही चीज़ है। यानी हमें अंदर और बाहर से एक प्योर थॉट में रहना है। आप वाकई अगर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो ये 68 सेकंड वाली मैनिफेस्टेशन प्योर थॉट टेक्निक से हासिल करके देखिए। और कई लोगों ने किया है, मुश्किल होता है, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन बगैर जाने किया है, उनको नहीं पता कि उन्होंने भी कैसे किया है, उन्होंने इसी तरीके से किया है, वही दुआ कबूल होती है, वही चाहत आपकी पूरी होती है, वही गोल आपका अचीव होता है, जब आप उस एक थॉट में लग कर अपने आप को चलाते हैं अंदर बाहर, और हमें पता नहीं होता। तो वो उसको एक खोला गया है, डिस्क्राइब किया गया है इस चीज़ को कि कैसे आप अपनी डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। और हाँ, जो करते हैं ना, जो प्रैक्टिस, इसको आंखों से आंसू आते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे तो आते हैं जब भी मैं करती हूँ, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि अगर आप एक थॉट में हैं, अच्छा, आप एक सोच में हैं, आप मेडिटेशन में हैं, मेडिटेशन में, हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं ना। मेडिटेशन मतलब अगर आप मेरी आंखों में आंसू आ जाए, अचीव करना चाहते हैं तो फिर आंसू नहीं, लेकिन आप इतने पक्के हो जाते हैं उस थॉट में, इमेजिनेशन, माइंड आपका इधर उधर नहीं जाता, इमेजिनेशन ऐसी हो जाती है जैसे रियल में हो रहा है, रियल में हो रहा है, वो असल मैनिफेस्टेशन है, वो लोग अपनी हासिल कर लेते हैं। अच्छा, जब तक इस क्यूवर्स पे लगा रही है, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर उस पे आ जाएंगे टोमेटो सूप पे। ठीक है, टोमेटो सूप स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जैसे पकाए आप जितने प्यार से पकाए। जी जनाब, और दोबारा से आपको याद दिलाते चलें कि पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है, तो आप लोग भी ज़रा मदद कीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए, अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो महफूज कीजिए, उनकी सेहत का ख्याल कीजिए, और जितने भी पोलियो के वर्कर्स हैं उनके साथ तआवुन कीजिए और मदद कीजिए हमारे मुल्क में से ये जो पोलियो जैसी बीमारी है इसका जल्द अज जल्द खात्मा हो। जी शाजिया बहुत बिजी हैं किचन में, बहुत सीरियसली बिजी हैं। अच्छा जी, स्क्यूअर्स पे ये मैं मुकाबला सकता है कहाँ, इतने आसान आसान रेसिपीज हैं। रेसिपीज तो हैं आसान, लेकिन प्रोसेस जो होता है ना वो लंबा है। अब जैसे हमें लगाने में इसको लंबा हो गया ना टाइम, कोई नहीं, मदद हमें, मदद टोमेटो, मदद हाँ, ब्रेक में मदद, मदद तो ये बोल भी दे दें वो लगा माजे गरम हो जाए, मतलब आपका क्या। माजिद की लुक्स जो थी ना, मैं डर गई एकदम से, क्यों डर गई पता नहीं, उसे पूछूंगी बात नहीं कि क्यों आप मुझे ऐसे देख रहे थे, यूं करके उसने आंखें उठाई। अच्छा जी, ये स्क्यूअर्स पे लगा दिया, जिसकी मैरिनेशन एक दफ़ा आप रिकैप कर दो कि क्या क्या डाला था हमने इसमें। डाला था गार्लिक पेस्ट, हाँ, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और हनी और लेमन जूस, सोया सॉस, ऑलिव ऑयल, दैट्स इट। ठीक है, और हमने इसको, आप मैरिनेट कर दो ज़्यादा अच्छा है थोड़ी देर, ठीक है, तो एक घंटे के लिए अच्छा सा हो जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा ज़्यादा, सही है। अच्छा, अब इसको आप स्टर फ्राई, अब इसको हम हल्के से ऑयल में, फटाफट चिकन वैसे ही बन जाती है। हाँ, चिकन तो बहुत ही जमेगा। सॉल्ट चेक कर लेंगे पहले हम इसमें ना थोड़ा सा, और सॉस इसकी अलग बनेगी। हाँ, सॉस भी सिंपल सा है, पीनट बटर के साथ बस हनी और, तो सॉस कुक करना है या वैसे नहीं, मिक्सिंग है, तो हम मिक्सिंग भी अभी कर लेते हैं, ये मिक्सिंग करके ऊपर से स्प्रिंकल करना है फिर हम टोमेटो सूप पे। हाँ, तो मिक्सिंग कर लें, ये मैं देख लूँ ना जल ना जाए, हल्का कर दो, वो भी डाल दो साथ में ही ना पूरे एक साथ। मैं इसका चेक करना चाह रही थी सॉल्ट, अच्छा सही है कि नहीं, ठीक है, ये जैसे फ़ौरन कुक हो गई ना, ये जल नहीं, तो और आहिस्ता करती हूँ ना ताकि वो चिकन गल जाए, जल जाएगा। हाँ, आहिस्ता, अब स्लो है। हाँ, अब स्लो, ठीक है, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, बाद में बता देंगे इसको जब हम पोर करेंगे ना, सर्व करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं फिर, अभी हम, हाँ, टमाटर को बता देते हैं, टमाटो
किस तरह बनेगा। पहले मैंने जैसे ये ब्लांच करनी है इसको, तो ये जब से सॉफ्ट हो जाएंगे। कितने टमाटर? मैंने वैसे आधा किलो लिए थे, आधा किलो होंगे या शायद ज़्यादा हो लग रहा है मुझे, तो तीन चार बोल तो बन जाएंगे। चार पांच टमाटर ले लें और बड़ी इजी रेसिपी है और बड़ी जल्दी झटपट बन जाएगी। मजे की है नहीं है? मज़े की भी है और इजी भी है। ये बात आप याद रखें, इजी रेसिपी भी तो मैं बनाती हूँ, लेकिन जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता मैं वो नहीं बनाती। याद क्या करूँ? याद ये रखूँ, याद ये रखें कि मैं मतलब याद क्या रखूँ कि जो इजी झटपट बनाती है वो टेस्टी होती है। टेस्टी भी हो। हाँ, झटपट रेसिपी हो सिर्फ और टेस्टी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। सही, याद रखिए शाजिया, जब भी झटपट इसका आपने, इसको आपने पील कर देना है। पील करके आपने इसको, हाँ बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। इससे उससे शाजिया कहती बात आप याद रखें। आज सभी जो है ना वो क्या बोलूँ मैं। सही है शाजिया, अब हम एक पैन ले लेते हैं जिसमें हम ये क्रीम ऑफ टोमेटो सूप या टोमेटो सूप क्या क्रीम भी है, क्रीम भी है ऊपर से सिर्फ क्रीम। अच्छा, क्रीम सूप की एक अलग अपनी बात होती है। क्रीम ऊपर से हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। लेयर सूप अलग होता है, क्रीमी सूप अलग। ये गार्लिक और क्या है, गार्लिक और गार्लिक को हम जैसे चॉप करके ना इसके साथ टमाटर को रोस्ट करेंगे जिससे, हाँ फिर हम इसको टमाटरों को जो है ना पीस लेंगे ब्लेंडर में। अच्छा, गार्लिक को थोड़ा सा हम हाँ सौते करना है इसके अच्छा। साथ ठीक है, टमाटर के साथ ताकि वो कच्चापन उसका खत्म हो। ठीक है, हाँ पीसते तो बिल्कुल आखिर में है मेरा। पीस के और उसको स्ट्रेन करके ज़रा सा ऐसा उसको। कोई बहुत ही यूनिक किस्म का सूप पिया है शाजिया, कभी ट्राई किया है कोई यूनिक किस्म का? मैंने एक दफ़ा यूरोप में पिया था। क्या, कौन सा था? क्रैप सूप। क्रैप सूप, हाँ क्लियर मेरे लिए यूनिक ही था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पिया था। हाँ नहीं, क्लियर यखनी टाइप था क्या? हाँ यखनी टाइप था, यखनी टाइप। लेकिन वैसे मुझे पसंद है क्रैप बहुत। अच्छा, क्रैप का कुछ भी दे दें, ब्लू क्रैप। अच्छा जी, सीनी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीनी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी हैप्पी लकी प्रिटी हेल्दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही सुनने के लिए हम फोन करते हैं आपको, पता है आपको, आपके मुंह से इतना अच्छा लगता है। अच्छा जी, ना आप भी ट्राई करें, आपके मुंह से उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो हमेशा मैं भी ऐसे कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, हाँ और बहुत प्यारी। बहुत अच्छी बात है सीमी, आप मुझे बताइए ये कोई चीज़ हासिल करना चाह रही हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश है लाइफ में? मेकअप सिटी का गिफ्ट पैक, गिफ्ट वाउचर जो भी है, ये समथिंग जो इन द बैग, वो हासिल करना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अच्छा मैं किरण कहना चाह रही थी कि आपका ड्रेस और शादी का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मेरा दिल चाह रहा था कि किसी रोज आप दोनों सेम ड्रेस पहन के आए। सेम ड्रेस, बेंजामिन सिस्टर। हाँ बेंजामिन सिस्टर। अच्छा चले, कर देंगे किसी दिन, दोनों जाते हैं जरा एक शॉप पे खरीदारी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे कहूँ कि किसी दिन आप दोनों एक जैसा ड्रेस पहने, एक जैसा कलर पहने तो बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मजा आएगा और बस। सूप जो है मुझे बहुत पसंद है सारे, और मलगटानी सूप शाजिया कैसे फरमाई है कि वो बनाए। मलगटानी, यस सही है, मुश्किल सूप है वैसे। किरण मुझे बहुत पसंद है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे भी बहुत पसंद है, और इसकी ऑथेंटिक रेसिपी मेरे पास है जब मैंने सीखी थी होटल में, और बड़ा अच्छा, लेंदी। तो आप किसी और सिखा दीजिए ना, मजा आ जाएगा। बड़ा लेंदी प्रोसेस, एक दिन किरण से सीखते हैं फिर। बहुत लेंदी प्रोसेस है उसमें, वो मरी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मरी पू बनाते हैं अलग से। तो बस किरण यही कहना था आपको, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वेरी डन टीम, ऑल टीम बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं हमारी व्यूअर्स की कि हम दोनों एक जैसा ड्रेस पहने। थोड़ा सा अब क्या कह रहे हैं, हाँ क्या कर रही है शाजिया? अब मैंने गार्लिक और उसमें ना बटर में उसको सौते कर लिया था, अब मैं इसमें टमाटर। बटर लिया आपने? बटर भी लिया, हाँ ऑलिव ऑयल भी लिया। अच्छा दोनों चीज़ें लिए, हाँ। थोड़ा गार्लिक चॉप करके, ब्राउन करके, और टमाटर में टमाटर को फिर हम पीस लेंगे, फिर से हम सिर्फ इसको इसमें सौते कर रहे हैं गार्लिक। वैसे आप ये कर सकते हैं के
ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं टोमेटो। अच्छा लोग, हाँ इस तरह भी बन सकता है। सही है, नहीं यही कर ले। अभी तो सिलेंडर के साथ गैस चल रही है तो ओवन ना चलाए आप। इलेक्ट्रिक ओवन भी होते हैं लोगों के पास, वो बहुत बिजली का बिल आ जाएगा आपका। हाँ। जो ओवन में आजकल गैस कम आ रही है तो आप इस तरह बना लें। सीरियसली लाइक मेरे घर आ ही गया आखिरकार सिलेंडर भी। अच्छा इसमें क्या हमें जो है ना जी करना क्या होगा? हाँ करना क्या है ज़रा बताएं। स्टॉक ऐड करना होगा तो उसके लिए हमने जो है क्यूब्स रखे स्टॉक, और आप चाहे तो स्टॉक बना लें घर में। अच्छा ये आपने क्या पानी लिया एक पैन में? हाँ ये हमने क्यूब्स डाल दिए, दो क्यूब्स। हाँ ठीक है, इजी वे, ये इजी वे आपको झटपट। हाँ झटपट ये हो गया, ये होता है जब इंसान नहीं देखता चीज़ है। नहीं तो अच्छा ओवर कुक चारकोल टाइप कलर आया है, अच्छा है। ओवर कुक, ओवर कुक नहीं मज़ेदार, वो जैसे आप बारबेक्यू करते हैं ना वो वाला लुक आया, वो वाला लुक आया। अच्छा ब्रेक आ रही है, अच्छा ब्रेक आ रही है तो मैं इसमें बता दूँ। इसमें ओरिगानो 1 टीस्पून ओरिगानो डाल लें और ये रेड पेपर डाल लें, सॉल्ट डाल लें। सॉल्ट वहाँ रखा है नहीं है यहाँ, वहाँ में वो डालो सॉल्ट। अच्छा ओरिगानो, लाल कुटी मिर्चे, नमक। अब बस इसको आपने पीसना है। सिंपल सी रेसिपी है। तो ये पानी इसका थोड़ा ड्राई करोगे या अभी बस थोड़ा सा इसको हल्का सा मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करके और फिर ब्लेंड करके रख ब्लेंड करके हम बाकी चीज़ें बाद बाकी चीज़ें बाद में। सही है जी, आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, आपको ये इतना खास प्रोसीजर नहीं है जो आप मिस करेंगे। हम आपका वेट करते हैं। हाँ, बस हम इसको पीस लेंगे और बाद में इसमें टोमेटो पेस्ट मिलाना है सामने वो कर देंगे तो ऐड में। ठीक है सही, ब्रेक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप कहते हैं कि मैं इतना चलाती हूँ, इतना थॉट्स में चलाती हूँ, मेरी पूरी नहीं होती है? कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है, कहीं ना कहीं वो इम्प्योर आपकी सोच, आपकी वो ख्वाहिश हो रही है जहाँ पर आप अगर मगर लेकिन कहीं से कोई डाउट लेकर आ रहे हैं अपनी उस सोच में। देखिए हम अक्सर बच्चों से दुआ करवाते हैं, कहते हैं कि बच्चों की दुआ पूरी होती है, बच्चे अपनी ख्वाहिश में पक्के होते हैं क्योंकि वो एक थॉट पर एक दफ़ा लगते हैं, एक चीज़ चाहिए तो बस वही चाहिए और वो कोई अगर मगर में नहीं जाते कि अगर मम्मा ने नहीं दिलाई, अगर ऐसा अब्बा ने नहीं किया, अगर वो मुझे लेके नहीं गए, वो अगर मगर में नहीं जाते। और हर बच्चे की दुआ भी पूरी हो जाती है, हर बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है क्योंकि वो प्योर होती है। तो आप भी अगर अपनी कोई ख्वाहिश या कोई थॉट ऐसे चलाना चाहते उसको एटलीस्ट 17 सेकेंड्स तक प्योर फॉर्म में चलाइए। 17 सेकेंड्स मतलब मैं ये कहूँगी कि डील बहुत ज़बरदस्त है। जो चीज़ आप 2000 घंटे चलाएं अपनी लाइफ में तब शायद जाके वो प्योर हो या पूरी हो। अगर उसका नेमो बदल ये है कि 17 सेकंड तक प्योरिटी के साथ एक थॉट के चलाएं आप अपने अंदर, तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप अपनी उस चीज़ को और वो थॉट में आप अटैच हो जाएंगे और 68 सेकंड्स में अपनी थॉट्स आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे। मतलब आसान इस तरह हो जाएगा कि अब आपकी थॉट प्योर हो गई है और वो जितनी थॉट प्योर होगी उतनी ही जल्दी आप उसे हासिल कर सकेंगे। इसको दोबारा हमें ब्लेंड सूप करना है, दोबारा ब्लेंड करना सही नहीं हुआ इसमें? हाँ चंक्स आ रहे हैं। ठीक है दोबारा से कर लेते हैं। बाकी चीज़ें डाल के करें या इसी उसमें करें? चीज़ें डाल लेती हूँ फिर मैं। चीज़ें डाल लें। अच्छा हमने किया क्या था इसका एक प्रोसेस बता दो कि इसमें हमने पहले टोमेटोज को ब्लांच कर लिया था। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको पील करके उसको गार्लिक एक फ्राइंग पैन में ऑयल, गार्लिक, बटर उसको सौते किया और उसके साथ हमने टोमेटोज को ऐड किया। ठीक है मंच मतलब थोड़ा सा उसको टोमेटोज को काट लिया था। ठीक है सही, ठीक है और उसके साथ हमने ओरिगानो, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाला। सही है और फिर हमने उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड कर लिया ठीक है। और अच्छा ब्लेंड आप अच्छा ब्लेंड करना है क्योंकि वो सूप ना आपका क्रीमी आना चाहिए। हाँ तो हम चीज़ें ऐड कर देते हैं फिर एंड में हम दोबारा से इसको ब्लेंडिंग कर देंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ
टोमेटो पेस्ट, इससे ना रेड सा कलर आएगा, जैसे अभी ये कलर नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो अच्छा रेड सा कलर आ जाएगा इसमें, सही है। और इसमें थोड़ा सा इसको कुक भी करना। अच्छा हाँ सही है। टोमेटो पेस्ट एक प्याली, छोटी प्याली कर लें, 4 टेबल स्पून कर लें, 3 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा जी, कॉलर है जंग से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है किरण अपनी? बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अब मैं ठीक वीक नहीं रहती, अब मैं बहुत अच्छी रहती हूँ। खासकर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे बातें होती हैं जो रियल लाइफ में हमारी प्रैक्टिकली होती हैं। अच्छा हाँ ना, हम देखो जिंदगी सभी गुजार रहे हैं, हर किसी की कोई ना कोई ख्वाहिश है, बहुत कुछ चाहना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अब कैसे करें? जी बिल्कुल, जब हम कोई फैसला करते हैं अपना किसी चीज़ के बारे में, उसके नुकसान जो होता है, नफा फायदा नुकसान जो भी सोचते हैं, दो तीन में अगर हम दिल से कोई चीज़ को तय कर लेना, फाइनली सोच लें कि हमने काम करना है, और उससे जो आगे पीछे है वो ना सोचें, कि अगर वो सोच बाजू का तो वो सोचना पड़ता है हमें, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ फैसला सोच समझ के अगर हम ले लेना और कदम उठा ले, उसके पीछे कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला भी पूरा कर देते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुने, अब ये 17 सेकंड तक आप अपनी किसी एक थॉट को लेकर चलाने की कोशिश करेंगी? जी 17 सेकंड तक, कभी नोट करना कि 6-7 सेकंड के बाद ना हमारी थॉट इधर उधर हो जाती है। जी जी बड़ा मुश्किल है फोकस रखना अपने आप को। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी थॉट को चलाते हैं अपने अंदर, वो नेगेटिव पास्ट की भी हो सकती है, कुछ पॉजिटिव हो सकती है, कोई मकसद भी हो सकती है, कुछ सही कहा। हाँ तो अब ध्यान रखना है और थॉट ऐसी चलानी है कि वाकई में वो ऐसे हमारे सामने रियलिटी बनकर आ जाए ना, मजा आ जाए। सही कहा, ठीक है। आज की रेसिपीज कैसी लग रही हैं आपको? बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी रेसिपी बहुत मुझे पसंद आती हैं, क्योंकि कुछ क्रिस्पी होती हैं, कोई खट्टी मीठी रेसिपीज होती हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो आप बातें करती हैं ना, तो मैंने कई बार महसूस किया कि रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना हमारी, इसमें बहुत फायदेमंद बातें होती हैं। हाँ मैं तो खुद ऐसी बातें चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट करूँ। अच्छा मुझे बताओ कोई और सूप की फरमाइश है? जी किस चीज़ की? कोई सूप वगैरह की फरमाइश है ताकि शाजिया? नहीं नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी शाजिया आप क्या कर रही हैं? अच्छा ये मैंने ना ब्रेड की कटिंग कर लिया, आप ऐसे ना ये गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं हम, तो सिंपल से रेसिपी है इसकी भी, बड़ी ईजी। तो मैं क्रूटॉन्स बना रही थी सूप के लिए, तो इसी में से मैंने कटिंग कर ली। ये स्लाइस जो आप लेते हैं ना नॉर्मल ब्रेड होती है, उसके स्लाइस भी आप करके थोड़ा सा बस ऑयल में फ्राई कर लें और वो एक ऊपर सर्व कर लें, अच्छा लगता है, क्रिस्पी बन जाएंगे। हाँ, नहीं तो बेक कर लें, ठीक है। अच्छा सूप में आपने सिर्फ टोमेटो पेस्ट अभी डाला है ना? हाँ, और तो बस वो कुक हो गया है, उसको भी ऑलमोस्ट, अच्छा वो डन है। हाँ बस हमने उसको ब्लेंड करके क्रीम ब्लेंड करना है और क्रीम ऐड करनी है। अच्छा सही है, सिंपल सा सूप है, कम मिर्च मसाले और काफ़ी हेल्दी सूप है। हेल्दी सूप, हाँ हेल्दी सूप है, टमाटर और ये भी मैंने शैलो फ्राई किया है ब्रेड ब्रेड को ज़्यादा। अच्छा ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लें आप। अब आपका तो अच्छा टेस्ट चिकन के साथ जो पीनट बटर सॉस है वो बनानी है। हाँ नहीं हमें अब गार्लिक बना देते हैं, वो हम आखिर में बता देंगे ना, अभी ये चिकन हो जाए। अच्छा हाँ एंड में बता देंगे ये। अच्छा, चिकन होने के बाद ठीक है मैं ये बता देती हूँ। गार्लिक ब्रेड सिंपल सा गार्लिक ब्रेड भी, तो ओवन में हम रख देंगे ट्रे में, ठीक है। और गार्लिक ब्रेड का मज़ा ही वो वाली सब जो हाँ, इसमें लंबा बन बटर लगेगा, ओरिगानो। हाँ मिक्सचर बना दो ताकि फिर हम वो स्प्रेड कर लेंगे ना, और गार्लिक सही है, कोई भी सूप। अच्छा मेरी भी फेवरेट है बहुत। हाँ, गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड के साथ करें, मज़ा आता है। रख दूँ मैं, ये इस तरह आप ले लें, बगैट होता है ना जैसे वो ले लें, वैसे मतलब घर में भी बन जाता है तो अच्छा बन जाता है ज़्यादा। ये लेके इसमें बटर, मिक्सचर पहले बना लेंगे, मिक्सचर बना लेते हैं, चले एक ही में इसको चॉप करना होगा, ठीक है। फ्रेश गार्लिक, हाँ
अब मुझे ये टेंशन है कि मेरी चिकन ना जले। नहीं चलेगी, हल्की आँच है ना। हाँ बस हल्का भी नहीं हुई। आपने टेस्ट नहीं किया, आप टेस्ट करके बताएं। हाँ। मैंने वैसे सॉल्ट सॉस तो बनाओ, ऐसे कैसे पूरा कोई। अच्छा सॉस के साथ ये भी होगा वैसे छोटा। हाँ निकाल बंद कर दो, बंद कर। अच्छा गार्लिक है, फ्रेश ली चॉप्ड, बटर है, सॉल्ट है, पेपर है, और ऊपर से हम चीज़ स्प्रिंकल करेंगे मोज़रेला। हाँ और एक ओरिगानो वगैरह। ओरिगानो, ओरिगानो ठीक है। और हम ओवन में रख देंगे 400 डिग्री। ओरिगानो नहीं, 6 से 7 मिनट बेक कर लें आप। ठीक है। अच्छा खैर ओरिगानो नहीं है। चलें जी ब्रेक आ रही है, और ब्रेक से आने के बाद जो है वो हमारे, अच्छा मछली भी है जो हम सिबलू की फ्रोज़न फिश तैयार करेंगे। एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जी? बस ठीक हूँ। नवीन बात कर रही हूँ। नवीन आप तो ना बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी बातें खास तौर पे। अच्छा अच्छा नसरीन क्या कहना चाहेंगी, कोई खास बात? मैं ये कहना चाहूंगी कि ख्वाहिशें तो हर ख्वाहिश पे दम निकले, मगर ये है कि अब दम ना निकले। मतलब ये कि मुझे अपने बेटे की तरक्की का बड़ा वो है, क्योंकि वो उसने जीरो से काम शुरू कर रहा है। किसने? जीरो से, बिल्कुल सब कुछ था मगर छिन गया। अच्छा अच्छा ठीक है, छिन गया, लोगों ने छीन लिया, इसका नहीं मिला। सही। वो खैर हमें परवाह नहीं है, अल्लाह देगा। सही है। मेरी ख्वाहिश कि मेरा बच्चा अपनी मेहनत से अपनी इससे वो मुकाम पा ले दोबारा से। वो तो बस फिर आपकी दुआ। शुक्र है दीदी। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जैसा कारोबार था उसका वैसे करे। आपने अच्छी थॉट्स में रहना है उसको लेकर, और अल्लाह से दुआ करते रहना है, और ऐसे तो और ऐसे इमेजिन करना है कि वो कामयाब है, और वो कामयाबी को छू रहा है। हाँ अच्छा अच्छा सही है ठीक है, बाकी मेहनत तो वो खुद करेगा। हाँ, बस मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अपनी जगह आगे, वो उसको मुकाम मिल जाए, वो अपनी मेहनत से। सही है, बस अपनी इस चाह होता है ना। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया। अच्छा तो अच्छा, अभी हम लोग भी उसी पे हैं। अच्छा नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप अपनी सोच में प्योर रहिए, कोई अगर मगर डाउट ना लेकर आइए, अपनी दुआ में भी कोई डाउट नहीं लेकर आए, और अल्लाह ताला से ऐसे बात किया करेंगे। यकीन, यह बिल्कुल यकीन है अल्लाह, मैं जानती हूँ कि तेरी रहमत नाजिल हो रही है, और तू हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है, और मैं जानती हूँ तू काम कर रहा है। दूर भी बहुत है अमेरिका में वो इस वक्त। अच्छा अच्छा सही है, बिल्कुल चले, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक ब्रेक की तरफ हम पढ़ रहे हैं, मिक्सचर बना लिया है अवन में, इनको ये दोनों साइड पे लगा रहे हैं जो? नहीं, एक साइड पे लगाएंगे और एक एक साइड ऊपर करके। हाँ चाहे तो आप लोग ग्रीस करेंगे ट्रे को, ट्रे को ऐसे ही रख देंगे, ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, ग्रीस करने की थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है, बेक करने हम रख देंगे, आप इसको रखिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, तो आपको हाउस ऑफ समरा की तमाम चीज़ें जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सिबलू के प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश स्ट्रीट की प्रोडक्ट्स हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आप लोग भी मज़े मज़े के खाने तैयार करें और इस ब्रांड को अच्छे से इस्तेमाल करें। एक ब्रेक लेते हैं। घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। अच्छा भाई, कोई कॉस्मेटिक्स लेना चाहते हैं, कोई अच्छे से ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रीम्स लेना चाहते हैं, शैम्पूज, परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स, या कोई हेयर ड्रायर, टोंग, आयरन, ये इलेक्ट्रॉनिक जो ब्यूटी आइटम्स हैं ये लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं और इधर उधर फिरने की ज़रूरत नहीं है। जाइए किसी भी मॉल में, किसी भी जगह पर जहाँ पर मेकअप सिटी की दुकान है, वहाँ पर जाइए, अंडर वन रूफ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल जाएंगी, बहुत अच्छी रेंज आपको मिलेगी, सिलेक्शन करने में आपको आसानी होगी, और बहुत अच्छी वैरायटी है मेकअप से लेकर इनके शेड्स वगैरह, लिपस्टिक्स, परफ्यूम्स, बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हैं। और मेकअप सिटी की जो शॉप्स हैं वो पाकिस्तान में फैली हुई हैं, हर आपको सिटी में मेकअप सिटी ज़रूर मिलेगी अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने के लिए।
ठीक है जी। और शाजिया जो हैं वो बिजी हैं अभी तक, चिकन के स्क्यूअर्स जो स्टार्ट किए थे वो अभी तक हल्की आंच में पक रहे हैं। टमाटो, अच्छा टोमेटो सूप का बता देती हूँ। हाँ, प्लीज। मैंने इसमें स्टॉक डाला है सिंपल, हाँ वो जो आपने बनाया था दो क्यूब्स के साथ, और आप चाहें तो चिकन को बॉईल करके वो स्टॉक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टोमेटो प्यूरी थी और वो स्टॉक डाला, बाकी अब ये कुक हो रहा है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। ठीक है, तो फिर हम इसको दोबारा से ब्लेंड आपने करना है, क्योंकि ठीक ब्लेंड नहीं हुआ था, ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड करके दोबारा इसमें ऐड। अच्छा ठीक है, बस अब सिर्फ क्रीम ऐड होनी है, क्रीम ऐड होगी इसमें। हाँ दैट्स इट। ठीक है, सही है। ये मैं बता देती हूँ चिकन का सिंपल। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें गार्लिक ब्रेड जो बनाया था उसमें आपने ऊपर से चीज डाली, चीज डाल के ओवन में रख दिया, ओवन में रख दिया। ठीक है, ये इसमें पीनट बटर में मैं थोड़ा सा हनी ऐड किया। ठीक है, पीनट बटर को हल्का सा वार्म कर लिया, हनी थोड़ा सा, ताकि वो 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल। अच्छा, हनी, ऑलिव ऑयल और पीनट बटर, ये सॉस बनी है चिकन स्क्यूअर्स के लिए। ठीक है, तो इसके साथ आप सर्व करें, इसके साथ सर्व कर देते हैं, इन्जॉय करें। मैं भी ट्राई करती हूँ, एक कॉलर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, काफी अच्छे बात कॉल मिली है। अच्छा, देखती तो हूँ शो, लेकिन कॉल बहुत अच्छे बात की है। अच्छा, बहुत अरसे बाद मिली है। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। क्या कहना चाहेंगी आप आज, आज के हमारे टॉपिक के हवाले से कोई बात करना चाहेंगी आप? ये जो हम 68 सेकंड में अपने ख्वाहिश को पूरा करने की जो टेक्निक है जी, कुछ करेंगी अप्लाई इसमें, कि सोचेंगी कि हाँ चलो मैं देखती हूँ? जी, मैं तो जो सोचती हूँ फौरन ही उस पर अमल करती हूँ जल्दी से। हाँ क्या चीज? मैं जो भी मतलब अपनी विश रखती हूँ उसको फौरन ही जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अचीव कर सकूँ। हाँ, फोकस अच्छा है आपका बहुत। जी जी, जबरदस्त, अच्छा है ना। जो फोकस शार्प करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हम करते हैं कि हमारा ध्यान एक जगह रहे, बस नेगेटिव लोग या नेगेटिव अगर कोई बात ना हो, अगर वो साथ होती है तो बैठ जाती हूँ। अच्छा, अगर पॉजिटिव चीजें में मुझे मिलती रहे तो मैं अचीव करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, नहीं अक्सर हमारा फोकस, नमाज पढ़ते हुए भी हमारा ध्यान कितना इधर उधर भटकता है ना, तो जब हमारा फोकस स्ट्रांग होगा तो हमें नमाज में भी मजा आएगा, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट करके लगे हुए होंगे। बस ये नमाज पढ़ते हुए ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और हम वो हमसे सुन रहे हैं, मतलब कोई एक हमारे सामने अल्लाह ताला खड़े हैं और उनको हम अपनी आयत और ये सब चीजें सुना रहे हैं, जैसे टीचर्स को सुनाते हैं। बिल्कुल, और ये लेकिन मुसलसल, ये वही वाली बात है कि 5-7 सेकंड तक हम ये थॉट में रखेंगे और फिर दिमाग भटकता है, फिर इधर उधर चला जाएगा जी, फिर उसको पकड़ के। आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं और हम मतलब बहुत पॉजिटिव सोचने भी रखते हैं फिर उस तरह ना, बहुत अच्छा है आपका। हाँ बहुत अच्छा है, बस फोकस पे ध्यान रखना है। कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल लाइवली होती है कुकिंग ना, शाजिया अच्छी कुकिंग करती हैं। हाँ शाजिया की क्या बात है, थैंक यू जी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। हाँ शाजिया, अभी हम कर क्या? अच्छा, अब हम बना रहे हैं सिबलू की फिश से उसका सालन, मजे का। अच्छा, यामीसा सिबलू की फिश है। हाँ, सिबलू की फिश येरी दिखाई, मैंने इसलिए अभी नहीं किया था, हाथ लगाया था कि जब ये कैमरा आएगा तो हम दिखाएंगे। बड़ी मजे की लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है फिले। हाँ, और अच्छी से फिले को हम, हाँ अच्छी पैक और कितनी सफाई से दिया है, जबरदस्त भाई। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, वैसे सिबलू के हमने फ्रोजन पोटैटोज, ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह तो हैं इनके, पीज वगैरह, वेजिटेबल, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, तो ये आप इनकी जो फिश है बहुत ज़बरदस्त है। 6-7 मिनट हो गए होंगे। आपको देखिए, मैं ज़रा सिबलू की चीज़ों के हवाले से भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये पूरी रेंज रखी हुई है, फ्रेश स्ट्रीट की है, फिर हमारे पास सिबलू की टूना फिश वगैरह है, और इनका ये वनीला पाउडर, चॉकलेट सिरप, पैनकेक वाला मेपल सिरप, ये सारी चीज़ें हैं हाउस ऑफ समरा की, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, फ्रेश स्ट्रीट है, सिबलू है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको बड़े सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छी रेंज है। बारबेक्यू सॉस, पिली पिली सॉस, मेयोनीज, गार्लिक, डायनामाइट माइल्ड सॉस, ब्लैक पेपर, ये हमने ट्राई की हुई है और ये अच्छा। सब बहुत मज़ेदार और वेरी नाइस, क्या टेम्प्टिंग। इसके जो है ना, हम फिले को ना काट लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करके
अच्छा रख देंगे साइड पे, फिर हम ऐड कर लेंगे अपने सालन में। ये मैंने फ्राई किए प्याज इसी के लिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मतलब मुश्किल हाँ। सालन नहीं है, इजी सा सालन है। अच्छा ये सालन बन रहा है रेसिपी हाँ। में कटलेट आ रहा है, वो शायद वो रेसिपी चेंज हुई है शायद, है ना? क्या क्या है? हाँ वो फिश कटलेट आ रहा है, वो इसका चेंज आ रहा है ना। अच्छा हाँ फिश चेंज हुई। ठीक है, इसका आपने फिले जबरदस्त फुल बना लेती, मुझे पता होता ना तो मैं कुछ और रेसिपी लेकर आती। मैंने सोचा पता नहीं वो नगेट्स टाइप होगा, इसका सालन बना लेते हैं। क्या बनाए? अच्छा इसमें कुछ डालना है तो हम ये कवर कर देते हैं। इसमें बस जीरा डाल के इसको प्याज को हाँ। निकाल के हमें पीसना है। अच्छा इसको भी पीसना है? हाँ ठीक है, जीरा डाल दिया। सही है, बस थोड़ा सा जीरा सौते हो जाए। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा। हाँ बस हल्का सा, ये मैंने किया ना इतना ही करना काफ़ी। सूप भी रेडी है, क्रीम कब ऐड करेंगे? इसी में जो हम ट्राई बस थोड़ा सा वो हो जाए। ठीक है गाढ़ा। अच्छा ब्रेक आ रही है? हाँ क्या ब्रेक में हम ये करेंगे कि फिश को फ्राई कर लेंगे, निकाल लेंगे और प्याज को पीस लेंगे। फिश को क्या फ्राई करना है? कैसे? हल्का सा ऑयल में हाँ सॉल्ट मतलब कुछ लगाना टूटे नहीं, टूटे नहीं, सॉल्ट लगा ले बस, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि ये इसमें से स्मेल अभी नहीं आ रही, बिल्कुल साफ सुथरी है। वरना जैसे फिश पे होता है ना सिरका लगा के धोए हाँ। जद्दोजहद होती, मुझे स्मेल ही नहीं आ रही। अच्छा सही है, ठीक है। तो सिर्फ नमक लगा के हम हल्का सा हाँ। फ्राई करके निकाल लेंगे हाँ। बाकी इस प्याज में हमने सिर्फ जीरा डाला हुआ है, बाकी हम आकर करते हैं। एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। गार्लिक ब्रेड निका जरा आप लोगों के सामने भी टेस्ट करूँ, इतने मज़े की। चिकन तो खैर सिंपल मैरिनेशन थी, कुछ भी नहीं था, हल्की आँच पर बनाया, शाजिया ने तो गल गई अच्छे। ये जो पीनट बटर सॉस है ना, ये पीनट बटर है, ऑलिव ऑयल है, और क्या था इसमें? शहद, काली मिर्च, ये लगा के कुटी हुई मिर्च भी थी लाल। किस में? पीनट बटर सॉस में? नहीं नहीं उसमें चिकन नहीं, पीनट बटर सॉस की बात। अच्छा कंफ्यूज नहीं करें मेरे लोग। अच्छा अच्छा ये इसके साथ मैं दही मिला के सालन सा नहीं होता जैसा एक वो बना रही। अच्छा लगा, गार्लिक ब्रेड भी बहुत मज़े की। थैंक यू। गार्लिक ब्रेड मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा ये हम ब्लेंड क्या कर रहे हैं? प्याज, प्याज है बस, और दही, दही, दैट्स इट, जीरा था जो दही और जीरा, प्याज और जीरे को जो सौते किया था ऑयल में वो दही के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। मछली बना रहे हैं, सिबलू की फिश का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, फुल होल फिश। ये बस शोरबा तैयार करके आखिर में फिश ऐड करनी है हमें। ठीक है ये हो गया, अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक भी था इसमें, गार्लिक नहीं रखा, गार्लिक, जिंजर गार्लिक, गार्लिक पेस्ट चाहिए। अच्छा इसमें गार्लिक जाएगा और ये टोमेटो प्यूरी जाएगी, ये डाल दें जब तक गार्लिक आता है। गार्लिक पकड़ा दीजिएगा हमको, और अगर कोई मसाले हैं तो वो भी डाल दें साथ में, क्योंकि हमारे पास टाइम निश्ता। बस ये सारे मसाले, धनिया पाउडर डाल दें, लाल मिर्च, गार्लिक हाँ वो जब गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पेस्ट है, काली मिर्च डाल दी, ठीक है, काली मिर्च, हल्दी डाल दी 1 टीस्पून, गरम मसाला, सिंपल सालन का मसाला, सालन का मसाला, हल्दी, लाल मिर्चें, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले डाल दी, टमाटो पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें ये चला जाएगा दही और प्याज हाँ ठीक, और जीरा हाँ, थोड़ा सा पानी डाल के और ठीक है। हर्बी ऑन भी हमने करना है हाँ, हर्बी बनानी है। और ड्रिंक क्या है, क्या बन रहा है वैसे ड्रिंक का? पंच बना रहे हैं हम सिंपल, सिर्फ हमें असेंबलिंग करनी है। ठीक है, अच्छा ये तैयार हो गया, और मछली फ्राई करके अलग से इसमें ऊपर डाल देंगे, और हरा धनिया, हरी मिर्ची, सिंपल मछली हाँ। का सालन है। ठीक, अच्छा सूप भी भाई लोग भी रेडी है, और सूप में रेडी है, बस क्रीम ऊपर से डलेगी, ऊपर से डलेगी और क्रोटॉन्स। टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेक्सचर, नमक मिर्च बताना ज़रूरी है ना शाजिया, है ना? मुझे तो पसंद है सूप, टोमेटो सूप, मैं अपनी फेवरेट चीज़ें भी बनाती हूँ बहुत। नॉट बैड है, मज़ेदार।
वाकई मज़े का बना है। ये ऐसा टमाटो सूप है कि आपको भी पसंद आएगा और बड़ा इजी है। देखें आप कितनी जल्दी सिंपल। आप चाहे तो अनियंस भी डाल के इसको पीस सकते हैं। अनियंस को ज़रा सौते करें, एक अनियन लेके स्लाइसेस। आपने नहीं डाली ना? मैंने नहीं डाली। मैं वैसे भी मैं बता रही हूँ कि वैसे भी बगैर अनियंस के ही मज़े का है। बिल्कुल, आपने सिर्फ बटर का इस्तेमाल करना है, थोड़ा ऑयल, गार्लिक को सौते किया, टमाटर डाले, पकाया, पीसा और उसमें फ्लेवरिंग सीजनिंग डाल दी। अब इसमें ब्रेक आ गई है। ब्रेक आ गई, हम ये बता दें हमने जो फ्राई की थी ना फिश, वो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें, तो ये भी साथ इसके कुक हो जाएगी। मज़े का है। ठीक है जी, भून तो लिया था हमने मसाला, फिर आकर आप हर्बी ऑन बता दें। हर्बी ऑन, ठीक है, हर्बी ऑन का हम आकर आपको कॉकटेल बताते हैं। एक ब्रेक के लिए हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाया। आज आप लोगों ने बैठकर एक चीज तो चलानी है, कोई भी एक थॉट, कोई भी एक बात, चाहे कुछ मकसद की हो, चाहे कोई भी अच्छी चीज हो, कोई चीज चेंज करना चाह रहे हो, एनीथिंग एट ऑल, लेकिन उस थॉट को 7 सेकंड से आगे तक लेकर जाना है। हम सिर्फ 5-7 सेकंड तक रहती है और फिर इधर उधर हो जाती है। अब अगर हम 17 सेकंड तक उसको खींच लेते हैं प्योर फॉर्म में, बग़ैर किसी डाउट के, अगर मगर के, इफ बट के, तो फिर 68 सेकंड तक पहुंचना आसान हो जाता है। 17 सेकंड के बाद वो थॉट हमें मदद देती है स्टे करने में और हम प्योरिटी के साथ चलते हैं अपने मकसद की तरफ, और फिर अच्छा सा फोकस डिवेलप होता है जो हमें आम जिंदगी में भी किसी भी चीज़ में कोई भी काम करने में बहुत मदद देता है, और हम अपनी इबादत भी अच्छे से कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छे अच्छे से कर पाएंगे अगर फोकस हमारा सही रहेगा। तो फोकस की प्रैक्टिस करनी है हमने। हाँ जी, ड्रिंक आ जाए। अच्छा, हर्बी ऑन की, ये हर्बी ऑन की सूप बहुत मज़े का बना, चिकन पीनट बटर सॉस के साथ बहुत मज़े की, गार्लिक ब्रेड वेरी नाइस। और अब क्या है? अब हर्बी उनका पंच बता रहे हैं हम ये। अच्छा, बहुत हेल्दी है और मिक्सिंग है बस इसमें, और कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी में। ठीक है, ये प्लेन वाला नहीं चाहिए था मुझे तो। हाँ ले ले, पंच वाला ले ले। कौन सा चाहिए? फ्रूट। अच्छा, कोई भी फ्रूट, ये फ्रूट पंच चेक करें हैं। हाँ ये ले। हाँ ये फ्रूट पंच है, देखिए कितनी अच्छी चॉइस है हर्बी ऑन की। हाँ। आप भी लेकर आइए फाइबरलेक्स और इस्तेमाल कीजिए हर्बी ऑन का, ये हस्क डेली अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए, ड्रिंक फॉर्म में, सैलड फॉर्म में, मीठे में, बहुत सारी चीज़ों में आप डाल सकते हैं, क्योंकि फ्लेवर्ड भी है और अपने सिस्टम को, स्टमक के सिस्टम को अच्छे से कंट्रोल कर सकते। सिंपल से इसको मिक्स कर दें। और इसके अलावा हर्बी ऑन के हर्बी ऑन नेचुरल्स भी है, जिससे आप अपनी ब्यूटी का भी ख्याल कर सकते हैं। इसमें हेयर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे शैम्पूस की रेंज है, जो भी आपका हेयर टाइप है उसके मुताबिक आप शैम्पू लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। इनकी क्रीम्स हैं, सर्दियों में आप इनके सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, इनकी मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल करें, और इनकी हैंड क्रीम, फुट क्रीम, मास्क है, नीम मड मास्क है, ये देखें ये फुट क्रीम है, इसके अलावा सीवीड वाइटनिंग फेस वॉश है, बहुत सारी कंप्लीट रेंज है आपके फेस के लिए, आप इसे लेकर आइए। अच्छा, सीजनल फ्रूट कोई भी डाल दें। हाँ, अच्छा सिंपल आपने। हाँ, कोई शुगर वगैरह नहीं, शुगर कुछ भी नहीं, डीटॉक्स टाइप चीज़ एक तैयार हो गई कॉकटेल। दिखने में कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट लगता है ये। इसको हाफ कर लेते हैं, हमने फ्रूट पंच इस्तेमाल किया ना तो वो कलर आ गया उसमें। सही। अच्छा, फिश भी तैयार है, सूप को रख देते हैं, 1 मिनट बस बचा है हमारे पास। सूप इज़ रियली नाइस। ये तो सूप आप आज तैयार करें। टोमेटो पेस्ट लेकर आइए। सर्दी में कभी कभी ठंडी चीज़ें भी पीनी चाहिए, मज़ा आता है। मैं तो आइसक्रीम खाती हूँ वैसे। सर्दी में तो मज़ा है। जमी भी कौन। बस हमें सिर्फ बातों में ही आप लोगों को ऐसा मुंह में पानी आ रहा है, सामने खाना बनता होगा तो ठीक है। हो गया सब रेडी? बस फिश निकालनी। हाँ, फिश को कर देते हैं। और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे नए मेहमान के साथ और नई रेसिपीज के साथ। थैंक यू करेंगे हम। आप निकालती रहे, अपना काम करें। शाजिया स्टिल हो गई। खुदाफिज़ करने के लिए। हाँ, आप कर सकती हैं खुदाफिज़। हम इसी से निकाल। नेक्स्ट वीक भी कोई सूप है?
नेक्स्ट वीक अब कुछ सूप है? अब वो तो हम सरप्राइज क्रीम ऑफ मशरूम सूप है शायद, इसको थोड़ा सा और लिक्विड करना या ये अपनी फरमाइश की है? नहीं नहीं क्रीम ऑफ मशरूम सूप हैगा के नहीं हैगा ठीक है जी, जनवरी में कुछ नया लेके आएंगे सही है जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, कुछ ना कुछ आज की दिन बनाने के लिए आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। लेकिन ये 17 सेकंड वाला प्रोसेस आज आपने ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना है, कल हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। और जो कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसको कैसे आसान बनाएँ, कैसे अचीव करें, थॉट में कैसे हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ये बात करेंगे। खुदा हाफिज़। में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार।